अस्सलाम वालेकुम, अम्मीज किचन में मैं अरसला आपको फिर से वेलकम करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं, आप सबकी दुआएं हैं। और बहुत शुक्रिया आप जो है अम्मीज किचन को लाइक कर रहे हैं और हमारी रेसिपीज़ को ट्राई भी कर रहे हैं, और सब चीज़ों के लिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए अम्मीज किचन को, और जो है आगे बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज अम्मीज किचन में एक मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। आज हम लोग जो है आप लोगों के साथ गोश वाली तहारी जो है की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो चलिए व्यूअर्स, जल्दी से आप लोग इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। गोश वाली तहारी बनाने के लिए हमने ये चावल लिए हैं, राइस लिए हैं, किसी भी ब्रांड के ले लीजिएगा। हमने ये चावल लिए हैं, 3 पाव चावल लिए हैं, तकरीबन ये 750 ग्राम ये चावल हैं 3 पाव। इसमें हमने ये गोश्त लिया है, 2.5 पाव गोश्त है, 600 ग्राम गोश्त है। इसको हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के लिए हमने इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून नमक और लहसुन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको हमने बॉईल कर लिया था। पानी फेंकना नहीं है, उसी पानी में गोश्त को बॉईल करना है। और इसके अंदर ये आलू लिए हैं, 3 आलू हैं, इस तरह से स्लाइस कर लिया है। और ये 3 टमाटर हैं, इस तरह से चॉप कर लिए हैं। ये 4 चिलीज़ हैं, और ये 2 प्याज हैं बड़ी, देखें। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून ये पिसी हुई मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून ये कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून ये धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून ये ज़ीरा है साबुत ज़ीरा, और ये 10 से 12 जो है ब्लैक पेपर है काली मिर्च, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, और ये जो है 6 से 7 जो है लौंग ली हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं गोश्त वाली तहारी को। ये हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं, 1 बड़ी प्याली कुकिंग ऑयल डाल लिया। अभी फ्लेम ऑन करें, ये ज़ीरा हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो देखें ये ज़ीरे का कलर चेंज हो गया। अब हम प्याज डाल रहे हैं, प्याज हल्की सी ब्राउन करनी है, गोल्डन ब्राउन। ये सारी प्याज हमने ऐड कर दी है, अच्छे से पकाना है प्याज को, प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन सा करना है। तो देखें अब ये प्याज सौते हो गई है, अब हम इसके साथ ही गोश्त ऐड कर रहे हैं। गोश्त हमारा बॉयल है, 2 टेबलस्पून जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल के हमने गोश्त को जो है गलाया है, को बॉयल किया है। अब ये इसके अंदर डाल लिया है, अच्छे से भुनेंगे। अब देखें साथ ही साथ हम ये सारे मसाले ऐड कर रहे हैं, सारे हम एक साथ डाल के और अच्छे से पकाएंगे। ये टमाटोज भी ऐड कर दिए हैं सारे, ये आलू भी ऐड कर रहे हैं हम, सारी चीज़ें एक साथ डाल रहे हैं और फिर अच्छे से पकाएंगे। देखें कितना अच्छा सा उसका कलर आ रहा है। तो देखें ये अच्छे से भुन रही है। अब हम ये जो है गोश्त जिसमें हमने गलाया था वही वाली यखनी हमने थोड़ी सी बचा ली थी, और अब हम इसके अंदर ऐड करें जिसमें हमने बॉईल किया था गोश्त, इसमें ऐड करें ताकि इस पानी में जो है आलू गल जाएं। यखनी है ये, उसी यखनी में हमने इस जो है आलूओं को गलाना है। तो देखें अब ये हम छोड़ें थोड़ी 10 से 15 मिनट के लिए ताकि आलू गल जाएँ, फिर देखते हैं 10 से 15 मिनट। चलिए तो देखते हैं कहाँ तक पहुँची है हमारी हंडिया, और देखें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और देखें इसका ऑयल ऊपर आ गया है, ये अच्छे से भुन गई है। अब जो है इसके अंदर हम पानी ऐड करके फिर चावल डालेंगे। अभी यह ग्रीन चिलीज डाल रहे हैं, हरी मिर्चें जो हमने 4 ली थी। तो देखें 3 पाव चावल थे ना, तो हम 3 बड़े कप जो है इसमें पानी ऐड करें, 3 बड़े वाले कप पानी इसके अंदर डाल देना है। अब ये जब पानी थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर इसके अंदर हम जो है राइस डालेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करें, 2 बड़े चमचे। अब देखें ये हमने चावलों को भिगोया हुआ था, अब इसके अंदर ऐड करें ये सारे चावल। तकरीबन ये आधे से 1 घंटा ये चावल भिगोए थे हमने। तो देखें सारे चावल ऐड कर दिए हैं, अभी हम चमचा चला के इसको कुछ देर जो है पकाएंगे ताकि चावल जो है अच्छे से गल जाएं। तो अब ये हमने इसको बंद कर देंगे चमचा चलाकर, और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इनको पकने में। तो देखें
देख कितनी मज़े की ये बन चुकी है, डन है हमारे चावल। आप ज़रूर, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस गोश्त वाली तहारी को। और अब हम बस अब डिश आउट कर रहे हैं इसको। तो देखें हमने ये डिश आउट कर लिए, देखें कितनी मज़ेदार सी ये हमारी गोश्त वाली तहारी तैयार है। आप लोग भी इसी तरह से प्रेजेंट करिएगा। ये हमने जो है थोड़ा सा सैलेड बनाया है, इसमें कुछ जो है देखें प्याज एंड टमाटर और ये खीरा इस तरह से, और लेमन जो है इस तरह से जो है प्रेजेंट किया है। और ये रायता है, इसमें जो है हमने देखें ऊपर से जो है ना जीरे का भगार भी किया है। तो यमी सा ये मील आज का हमारा डन हो चुका है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी हमारी ये गोश्त वाली तहारी की रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर अम्मीज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जो है सब्सक्राइब कीजिए अम्मीज किचन को, ताकि हमारी मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।